सीधे आपको लिए चलते हैं राजा भैया, इस वक्त मीडिया के सामने स्पष्ट इसमें सारी बातें स्पष्ट हो गई। अखिलेश जी का साथ आपका जो है राजनीतिक, क्या माना जाए कि वो वोट में भी कन्वर्ट हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप वोट दे सकते हैं? नहीं, हमारा वोट अखिलेश जी के साथ। जी आपको अचंभा क्यों हो रहा है? तो क्या आपके वोट अलॉट किए गए हैं कि जया जी को या फिर? नहीं, हमको पता है कि जया जी प्रत्याशी है, उसमें अलॉट क्या करना है। अच्छा, ये बात आ रही है कि आपके साथ विनोद करोल जी हैं, वो लोग किसको वोट करेंगे? जिसको हम करेंगे सपा प्रत्याशी को। राजा भैया किसको वोट करेंगे? सपा प्रत्याशी कौन है बताइए? जो कयास चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी और बाकी चीजों को, सारे कयासों को खत्म माना जाए? नहीं, कयास क्या चल रहा है ये एक अलग विषय, उससे हमारी ना तो कोई जिम्मेदारी है ना कोई वो, हमारा दायित्व तो है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। आप बीजेपी कैंडिडेट को साफ साफ शब्दों में कहा जाए, वोट देंगे या नहीं? हमने आपके सारे सवाल का जितना साफ जवाब हो सकता था उतना दिया। अच्छा, जब अखिलेश जी के प्रत्याशी को वोट देंगे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बीजेपी के साथ? ठीक, धन्यवाद। वही तो हम अभी भी कह रहे हैं, बसपा से आपका विरोध है तो, लेकिन सपा और बसपा दोनों के कैंडिडेट यदि कहा जाए तो दसवां कैंडिडेट जो है वो दोनों का कॉमन है? जी नहीं, कॉमन प्रत्याशी नहीं है, कॉमन प्रत्याशी नहीं है। सपा के प्रत्याशी अलग है, बसपा के प्रत्याशी अलग है। सपा बसपा के गठबंधन पे बोल दीजिएगा। गठबंधन पे सर, तो सुन रहे थे आप राजा भैया को, कह रहे हैं हमारा वोट अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जया बच्चन है, जया बच्चन को हम वोट देंगे। ये राजा भैया ने कहा, हमारा वोट अखिलेश यादव के साथ है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं राज्यसभा चुनाव में, एसपी प्रत्याशी जया बच्चन को ही वोट देंगे क्योंकि हम अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश के साथ हैं तो बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तमाम बातें राजा भैया की तरफ से कही गई हैं। तो यूपी राज्यसभा चुनाव के मामले पर बोले राजा भैया, हमारा वोट अखिलेश को, हम अखिलेश के साथ हैं, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं जया बच्चन उन्हीं को वोट देंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।